हाई नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं हूँ अंशिका और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात करने के लिए पूरा वीडियो बनाया है। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात आज करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट है सिंपली ये, दिस इज फिलिप्स का स्ट्रेटनिंग ब्रश। ओके, आजकल एनीवेज मार्केट में बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कर्लिंग, बहुत सारे टाइप के डिवाइसेज आते हैं। और बेसिकली मैं अगर बताऊँ तो आजकल लोग ना स्ट्रेटनर से ज़्यादा ब्रशेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनीवेज जो ब्रशेज होते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांड के लो, वो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेटनर के थोड़ा सा कम बालों को डैमेज करते हैं। इसलिए सब चाहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेट लुक भी मिल जाए और बाल भी थोड़े कम डैमेज हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम इस तरीके से सोचे तो। बट फिर हमें लगता है कि अब चलो किस ब्रश में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहला ब्रांड जो मेरे दिमाग में तो आता है वो आता है फिलिप्स, क्योंकि फिलिप्स हमेशा से, चाहे वो स्ट्रेटनर हो चाहे वो अदर कोई भी प्रोडक्ट हो, ये ब्रांड का जो मतलब प्रोडक्ट्स है उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मैंने फिलिप्स का ब्रश खरीदा। मेरे पास इसका स्ट्रेटनर भी रहा है पहले, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती थी और आई वॉज क्वाइट लाइकिंग इट। तो मैंने फिर सोचा कि आफ्टर दैट टाइम मैंने उसके बाद स्मूदिंग करा ली थी। अब मैंने क्या किया है कि दो बार स्मूदिंग कराई थी तो मैंने अपने फुल लेंथ बालों को ग्रो होने दिया। दैट्स वाई अभी मैंने कुछ नहीं कराया। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो मेरे नेचुरल बाल इतने वेवी हैं, तो वेवी हेयर कई बार आपको, मतलब मुझे पर्सनली स्ट्रेट हेयर का शौक है। ऑल्दो सुंदर सब लगते हैं, बट मैं पर्सनली स्ट्रेट हेयर पसंद करती हूँ। वो ऐसा होता है ना, जो आपके पास नहीं हो वो इंसान को अच्छा लगता है, तो बस वही समझ लो। इसलिए मैंने ये ब्रश में इन्वेस्ट किया। चलो अब ये स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग, उसके फीचर्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगी कि स्ट्रेट करते कैसे हैं, प्लस स्ट्रेटनिंग के टाइम पर क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपके बालों को डैमेज बहुत कम हो। तो अगर आप वो सब जानना चाहते हो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये सिंपल सा ऐसा दिखने वाला ब्रश है। इसका जो कॉर्ड है वो 1.8 मीटर लॉन्ग है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, उनके कॉर्ड कई बार बहुत छोटी दे देते हैं। अब हमारा प्लग दूर है और हमें कॉर्ड लगाना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो इसका कॉर्ड काफ़ी लंबा है, तो बहुत अच्छा है ये, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, प्राइस जो इसका है वो अभी फिलहाल अमेजोन पे, अगर मैं कोटेड प्राइस बताऊँ तो दैट इज 3495। लेकिन ये हमेशा ऑफर में अवेलेबल है, आपको 2500 तक या उससे कम में भी कई बार मिल सकता है। क्योंकि मैंने जब परचेज किया था ये अमेजोन की सेल पे, तो दैट वाज ऑफ ₹2500 समथिंग, तो मुझे ऑलमोस्ट ₹1000 सस्ता मिला था। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं ऐसे सारे को कुछ भी प्रोडक्ट्स के अगर डिस्काउंटेड प्राइस मुझे लगते हैं बताने चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ अपने इंस्टाग्राम के पेज पे स्टोरीज पे शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप वो सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है ना, उसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, कहीं पर भी आपको दिख जाएगा, वो ध्यान से आप लोग फॉलो कर लेना ताकि आप ऐसी सारी चीज़ें मिस ना करो। तो 3495 का इसका प्राइस है। प्राइस का अगर हम MRP पे खरीदते हैं तो बिट कॉस्टली, लेकिन अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदते हो 2500, 2600, 2700 तक भी, तो ये एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके फीचर्स अच्छे हैं। इसमें केराटिन इन्फ्यूज्ड ब्रिसल्स है, जो कि एक बहुत ज़्यादा शाइन लुक देता है स्ट्रेट करने के बाद बालों को, जो कि नॉर्मल स्ट्रेटनर्स में भी आता है, तो ये एक और इसका प्लस पॉइंट है। उसके अलावा इसमें दो टेम्परेचर रेंजेस हैं, 170 to 200। तो 170 में भी काफ़ी अच्छा गर्म हो जाता है, 200 पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बता दूं आपको, तो इसमें आपको जो फीचर मिलेगा वो ये मिलेगा, आपको तीन टाइप ऑफ ब्रिसल्स मिलेंगे। अगर आप देख सकते हो ध्यान से, तो तीन टाइप की ब्रिसल्स हैं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी वाइड है, कि विड्थ है 60 mm, काफ़ी वाइड होने की वजह से एक बार में ही आपके काफ़ी ज़्यादा बाल को जो है वो स्ट्रेट कर देता है। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मुझे बहुत पसंद आता है, कि यार चलो एक बार में फटाफट, मतलब ये जो क्लेम करते हैं कि आपके 5 से 10 मिनट के बीच में बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल सच बात है। आपके 5 से 10 मिनट के अंदर आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये ब्रश जो है वो 52 वॉट का है, जो कि दैट्स गुड। एंड इन्होंने स्पेसिफिक एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ये ब्रश को बनाते टाइम,
जो कि कहलाती है थर्मोप्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, ये हमारे हेयर को एक्सेसिव हीट से बचाती है इस टेक्नोलॉजी में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हेयर के जो भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, चाहे वो कर्लर हो चाहे वो स्ट्रेटनर हो, हेयर को बहुत स्ट्रेट हीट से डैमेज होता है। इसीलिए हमेशा वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। भले वो थोड़ा सा इनिशियली इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वो हमारे बालों को टूटने से, कमज़ोर होने से टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि एनी वेज आप अगर हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हो उससे आपके बाल डैमेज होते हैं, बट टू सम एक्सटेंट दे विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट देम। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। ब्रश है वो 30 सेकेंड में प्रॉपर हीट हो जाता है, आपको प्लग में लगाना है और उसके बाद इसको चालू करना है, 30 सेकेंड के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो सब कुछ आपको बताऊँगी। बट इन टोटल अगर मैं डिज़ाइन वाइज देखूँ, कॉम्पैक्ट वाइज देखूँ, और ये इतना ईजी है ना, मतलब इसको कहीं भी सूटकेस में रख सकते हो, ईजी टू ट्रैवल है, कहीं भी इसको लगा सकते हो, फटाफट से स्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार एकदम से गर्म छू गया तो हाथ जल जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। टू सम एक्सटेंट अगर कभी आप गलती से टच भी कर देते हो ना, तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं स्ट्रेटनर से जल गई हूँ, इतना ज़्यादा कॉर्नर्स गर्म हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इन टोटल अब चलो फटाफट से हम पहले ये देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, ठीक है, तो अभी ये मैंने ब्रश जो है वो उसको अटैच कर दिया है प्लग से। अब आप देखोगे तो जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये लाइट ब्लिंक करने लगती है, ये ब्लिंक करेगी और एक बार ये स्टेबल हो जाती है जब जलने लगती है, या फिर ये बंद हो जाती है, ऑटो कट का सिस्टम है, तो दैट मीन समझ लेना कि ये गर्म हो गया है। 30 सेकेंड जस्ट हमको वेट करना है, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको लगाओगे ना, मतलब प्लग में, तो आप हल्का हल्का सा हीट यहाँ पे महसूस भी कर पाओगे। मुझे एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि मैं जब ऐसे डायरेक्टली ऐसे सर से भी ले जा सकती हूँ, मतलब मुझे डर नहीं लगता कि मैं यहाँ वाले बाल अगर टच हो गया तो कहीं जल ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, वो चीज़ बहुत अच्छी है। बस आप जैसे कंघी करते हो ना, वैसे वैसे आपको स्ट्रेट करना है, और आपको किसी दूसरे की मदद भी नहीं लगेगी कि यार स्ट्रेटनर में तो पीछे के बाल स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इधर के यहाँ पे आप जस्ट एक जैसे कोम फेरते हो वैसे आपको फेरना है, और इट्स डन इन जस्ट 10 मिनट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटनिंग, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो गलती हम करते हैं स्ट्रेटनिंग करने से पहले, कभी भी याद रखना कि ये स्टेप आपको मिस नहीं करना है, जो है ऐसे टाइप के आपको ना सीरम या कंडीशनर खरीद के रखने हैं, जो कि आप बिफोर अप्लाइंग एनी हीटिंग प्रोडक्ट्स आप उसको स्प्रे करो अपने बालों पे, वो एक बहुत ज़रूरी स्टेप है और हम ज़्यादातर उसको मिस कर देते हैं। हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम आज ही खरीद लो, इन्वेस्ट करो उन पे। मैं तो जो ये यूज़ कर रही हूँ ये बोना केयर है हाइलोरॉनिक मॉइस्चर के, कि बहुत अच्छा है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी डेफिनेटली, ठीक है, तो आप उसके ले सकते हो, या फिर और भी कुछ ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं मार्केट में, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अभी देखो मैं क्या करूंगी, फटाफट से पहले इसको स्प्रे करूंगी अपने हेयर पे, ताकि ये मेरे बालों पे सेट हो जाए थोड़ा सा। और तो अभी मैंने प्रॉपरली हीटिंग स्प्रे जो है वो स्प्रे कर लिया है मेरे हेयर पे। आप देखो मैं आपको ध्यान से एक चीज़ बताती हूँ, जब ये गर्म हो जाता है ना, तो ये ऐसे लाइट कंटिन्यूस जलने लगती है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट। ओके, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं देखो आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने स्प्रे यूज़ किया है इसलिए इसका हीटिंग इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके नॉर्मली ब्रश को चलाते जाना है अपने हेयर पे। ये देखिए, ये देखिए, और 30 सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी चीज़ है देखो, आप देख पा रहे होगे ना कितना इजी है स्ट्रेट करना। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा वो करना है, तो आप 2 से 5 सेकंड के लिए होल्ड भी कर सकते हो। अब मेरे दोनों बालों में एनीवेज अभी डिफरेंस देख पा रहे होगे, राइट? ये देखो, ये मेरे नेचुरल बाल हैं
और ये मैंने जो हल्के से स्ट्रेट किए हैं। एक और गलती जो हम स्ट्रेटनिंग में हमेशा करते हैं वो है कोम्ब ना करना। मतलब डायरेक्टली अपन को लगता है कि चलो ये तो ब्रश है, तो अपन डायरेक्टली बिना बालों को सुलझाए ही ब्रश से स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। देखो मैं आपको हमेशा बताती हूँ एक चीज़ कि कभी भी विदाउट प्रॉपर कोम्बिंग डीटैंगलिंग आपको नहीं करनी है स्ट्रेटनिंग, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके बहुत ज़्यादा बाल टूटेंगे। हमेशा उसको क्या करो ना, देखो क्योंकि ये फेरे अगर हम ये चलाएंगे ऐसे तो क्या होगा, अगर बाल हमारे पूरे सुलझे रहेंगे तो ये फटाफट से निकल जाएगा और ब्रेकेज नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं सुलझा रहेगा तो सोचो ये ब्रश यहीं फंस जाएगा और फिर उसको हम, क्योंकि गर्म है तो हम हड़बड़ी करेंगे, जल्दी जल्दी इसको बंद कर निकालने की कोशिश करेंगे, उस चक्कर में ज़्यादा बाल टूटेंगे, राइट। अब देख पा रहे हो जैसे मुझे ये बैक हेयर करने, तो मैं क्या करूँगी, बहुत ईजीली बस ऐसे ब्रश को घुमाती जाऊँगी ऐसे फ्रंट की तरफ से। देखो कितना ईजी है, तो अभी मेरे ना बैक हेयर भी बहुत इजीली हो जाएंगे, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बस मुझे अपने ऐसे पकड़ना है और फटाफट से करते जाना है। ये देखो, और आप देख पा रहे होगे रिजल्ट, राइट। और ये ब्रश है तो आप जैसे भी चाहो, जैसे अपन को ब्लो ड्राई में सामने से थोड़े से फूले फूले कई बार बाल चाहिए होते हैं ना, तो इसको बस ऐसे करके स्ट्रेट करो, ठीक है, तो वो सेम लुक आएगा, एकदम चिपके चिपके बाल नहीं लगेंगे। ये देखिए, तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा बालों का फाइनल रिजल्ट है, वो भी तब जब मैंने बड़े बड़े चंक्स लेके, बड़े बड़े हेयर के स्ट्रैंड्स लेके अपने बालों को स्ट्रेट किया है। अगर आप थोड़ा सा और टाइम देते हो और बालों को छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स लेके उसको स्ट्रेट करते हो तो ये स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। ये जो आप शाइनिंग देख पा रहे हो ना बालों में, जो इसके ब्रिसल्स हैं उसमें केराटिन इन्फ्यूज्ड है, दैट इज़ वाई ये एक हमें एक शाइनी लुक देखने को मिलता है। इट्स रियली वेरी नाइस। और मैं एक चीज़ बता दूँ जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर चाहिए। बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आपको बहुत छोटे छोटे से चंक्स जैसे हम स्ट्रेटनर में लेके करते हैं वैसे करना होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको मेरे जैसा फुलर वॉल्यूम बट फिर भी एक स्ट्रेट सा लुक पसंद है तो आप डेफिनेटली इस ब्रश में इन्वेस्ट करना। अगर आपको पोकी स्ट्रेट हेयर पसंद है तो प्लीज़ इस ब्रश में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आप डिसअपॉइंट हो जाओगे काफ़ी ज़्यादा। आपको लगेगा कि अरे यार मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि जो है वो बालों का वॉल्यूम ऐसे कम नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ओके। ये वाला आपको देखने नहीं मिलेगा, बाल जो है वो ऐसे ही रहेंगे, थोड़े से फूले फूले नेचुरल लुक बट स्टिल स्ट्रेट। तो मैं पर्सनली इसी लुक के फेवर में हमेशा रहती हूँ, ओके। हम जो इससे स्ट्रेट कर रहे हैं, ब्रश से स्ट्रेट कर रहे हैं, और जो हम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं, दोनों में टाइम में डिफरेंस रहेगा। ये उतने टाइम तक स्ट्रेट नहीं होता है, ये थोड़ा सा मॉइस्चर गेन करता है, क्योंकि आप समझ लो ये ब्लो ड्राई वाले स्ट्रेट टाइप बाल्स होते हैं, लेकिन ब्लो ड्राई से ज़्यादा और स्ट्रेटनर से कम, उसके बीच का। तो मैं पर्सनली इसको इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने बालों को डैमेज नहीं करना चाहती। आई एम हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ लुक ऑल्सो, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर आपका फेस बड़ा हो तो ऐसा फुलर फुलर लगता है, बाल अच्छे से लगेंगे ना तो फेस अच्छा दिखता है, तो मैं इसलिए ये वाला लुक पसंद करती हूँ। आई होप मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, एंड हाँ अगर आप फिर भी मुझसे पूछोगे क्या ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है, क्या मुझे ये खरीदना चाहिए, तो आई विल से अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं और आप स्ट्रेट लुक चाहते हो मत खरीदो इसको। अगर आपके वेवी हेयर हैं और आपको आपके नेचुरल हेयर पसंद है बट कई बार आप उसको स्ट्रेटन लुक देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको खरीदो, बट दिमाग में ये रखना इसमें पोकी स्ट्रेट हेयर आपको नहीं मिलने वाले हैं, बट ये आपको हीट डैमेज कम देंगे, प्लस ये इजी टू यूज़ है, इसमें किसी की मदद नहीं चाहिए, आप खुद से अपने बैक के साइड के सब जगह के हेयर स्ट्रेट कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लेना, एंड मेरे वीडियो को शेयर करना ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन सारे लोगों के साथ आप बांट सको। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।